आज हमारे साथ है हाजिक परवेज लोन, जो अभी एम्स दिल्ली में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं निहायत फारूक जीएमसी श्रीनगर में फर्स्ट ईयर में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि एमबीबीएस का एक्सपीरियंस एम्स दिल्ली और जीएमसी श्रीनगर में कैसे डिफरेंट होता है, क्या चीजें सिमिलर होती है, क्या बेटर है, क्या कम है, एक डिटेल्ड कंपैरिजन और एक फन सेशन करते हैं। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो हाजिक, कैसे आप? निहायत यार, क्या है? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? हाँ बस यार, मैं भी ठीक हूँ, सही से। चलो ठीक है, हम करेंगे तो बहुत डिटेल में बात, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँ पहला दिन जो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था वो कैसा था, और उसके साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट डे ऑफ हॉस्टल कैसा था आपका? मेरे केस में तो हॉस्टल वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी। ओके, सो हॉस्टल जब मैं गया था, सो मैंने थोड़ा बहुत अर्ली शिफ्ट किया था, तो ज्यादा कोई हॉस्टल में नहीं आया था, कुछ फ्रेंड्स आए थे। बट इट वॉज लाइक कि जैसे मैं इन फ्रेंड्स को पहले से ही जानता हूँ, तो पहले से ही हम साथ में थे, लूडो खेल रहे थे, साथ में बाहर जा रहे थे, तो कुछ ऐसा नयापन हॉस्टल में नहीं लग रहा था। तो उसके बाद बात आती है सीनियर्स की हॉस्टल में पहले से ही, तो जैसे मैंने कहा ऑनलाइन इंटरेक्शन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द सीनियर्स को मैं पहले से ही जानता था, तो उसकी वजह से भी पहचानने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये तो था हॉस्टल का। और इसके बाद आते हैं कॉलेज के फर्स्ट डे पे। अब फर्स्ट डे हमारा 10 दिन के लिए ऑरियंटेशन प्रोग्राम चला था। फर्स्ट 3 डेज में हमें इंट्रोड्यूस किया गया था विद डिपार्टमेंट्स और एक पेरिफेरल ब्रांच एसोसिएटेड है एम्स के साथ, वहां लिया गया था। और फिर 7 डेज तक हमारा एक प्रोग्राम चला था क्रेस्ट के नाम से, मतलब क्रेस्ट एक प्रोग्राम का नाम है, तो वो चलता था हमारा। फर्स्ट डे पे क्या था, मेनली फैकल्टी से इंट्रोड्यूस किया गया था हमें, और मोर ओवर हमें जो डिपार्टमेंट्स है लाइक हमारे प्री क्लिनिकल, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, इन डिपार्टमेंट्स का टूर कराया गया था। हमारे साथ ये पहले तो हॉस्टल वाली बात तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है, मैं होम टाउन में ही हूँ कॉलेज में, तो अपने घर से ही मैं कॉलेज जा रहा हूँ पूरे टाइम। और अगर कॉलेज की बात करें तो फर्स्ट डे डायरेक्टली हम लोग कॉलेज से पहले ही दिन हम लोग क्लासेस में नहीं गए थे, डायरेक्टली ऑडिटोरियम में गए थे, जहाँ सारी जो भी सेरेमनीज होती है, ओथ होती है, वो पहले दिन हो गई। इसी के साथ दिन स्टार्ट हो और इसी के साथ दिन खत्म भी हो गया। इसके अलावा पूरे कॉलेज का टूर हम लोगों ने किया, लेकिन दोस्तों ने खुद कर दिया पूरे कॉलेज का टूर। अभी अभी तक जितना टाइम आपने एम्स दिल्ली में स्पेंड किया, तो आपको क्या चीजें लगी वहां पर, कॉलेज हॉस्टल में क्या चीजें हैं जो डिफरेंट है, यूनिक है? डायरेक्टली आ जाते हैं हम हॉस्टल्स पे। लाइक जो हॉस्टल्स है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हॉस्टल्स के बारे में, काफी ज्यादा फ्रीडम है वहाँ पे। लाइक इतनी फ्रीडम आई डोंट थिंक इंडिया के किसी पार्ट में, किसी मेडिकल कॉलेज में होगी या कोई भी कॉलेज। हॉस्टल्स में काफी, मतलब ऐसा रहता है कि पूरा जो हमारा यूजी कम्युनिटी है उनको, मतलब एक एरिया दिया गया है जिसमें सारे हॉस्टल्स है, सारे यूजी स्टूडेंट्स, तो मतलब नेटवर्क बिल्डिंग भी अच्छी हो जाती है बाकी सीनियर्स वगैरह के साथ। तो उसके बाद आ जाते हैं मेस पे। लाइक मेस का फूड जो है वो तो बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में काफी अच्छा है, सो जो घर का फूड है वो कभी मैंने मिस नहीं किया। सो ये एक बेनिफिट पॉइंट है मेस के बारे में। लाइक यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बाहर जाएंगे आप तो घर का फूड तो आप मिस करेंगे ही करेंगे। हमारे कॉलेज में हॉस्टल का ऐसे तो मैं तो हॉस्टल में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हॉस्टल के बारे में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो है। पहले तो एक चीज है कि फर्स्ट ईयर में जो भी लोग हैं उन्हें हॉस्टल तो मिलता नहीं है। नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, लेकिन अभी पुराने हॉस्टल्स, अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन है, तो फर्स्ट ईयर में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्राइवेटली पीजी या रूम लेना पड़ेगा हॉस्पिटल की विसिनिटी के आसपास ही, लेकिन डायरेक्ट हॉस्टल में फर्स्ट ईयर से तो नहीं जा सकते, उन्हें वेट करना है कि पिछला कोई बैच निकल जाए हॉस्टल से और फिर वो आएंगे मे बी सेकंड ईयर से। और फ्रीडम की बात करें तो हॉस्टल में भी 100% फ्रीडम है, पूरा खुला गेट रहता है, कभी भी कोई भी आ जा सकता है, और कुछ भी ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन या जैसे कि नॉर्मली बाकी यूजली इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने नोटिस किया कि हॉस्टल में थोड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है जनरल ट्रेंड के हिसाब से, हमारे हॉस्टल में वैसा नहीं होता है। और मेस का खाना तो सेम ही होगा, अभी तो मैं मेस का खाना नहीं खा रहा हूँ, ना ही मैं अगले 5-6 सालों मेस का खाना खाने वाला हूँ। और अगर बाकी सारी चीजों की बात करें जैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह बिल्ड करना, तो उसमें क्या चीज होती है कि को करिकुलर एक्टिविटी जो स्टूडेंट करता है उस हिसाब से उसके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में अगर कोई बंदा गाना गाता है तो फाइनल जो तो जो जितने भी सारे सीनियर्स कॉलेज में जो भी यूजी के बच्चे हैं जो भी गाना गाते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, फिर फर्स्ट ईयर का गाना गाने वाला बंदा भी उन्हीं के साथ चला जाता है। मैं फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करिकुलर में बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो जब भी मैं कॉलेज बास्केटबॉल खेलने जाता हूँ तो जितने भी सीनियर्स वगैरह बास्केटबॉल खेलते हैं उनसे मेरी दोस्ती बन गई है, तो मैं बास्केटबॉल वाले ग्रुप में चला गया हूँ एक हिसाब से। ऐसी को करिकुलर या टैलेंट या हॉबीज के हिसाब से इंटरेक्शन हो रही है और कनेक्शन बन रहे हैं हमारे कॉलेज। क्या आपका ट्रिप शेड्यूल रहता है, कितना ऑफन आप ट्रिप्स टूर्स पे ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे बने हैं, और संडेज कैसी जाती हैं आपकी? आज भी संडे ही है, जनरल संडेज का क्या रहता है आपका शेड्यूल? कभी कभी तो ऐसा रहता है कि हम पहले से ही प्लान करके जाते हैं कि मतलब आगे संडे आने वाली है, तो फॉर एग्जांपल मूवी देखने जाना है या कहीं ऐसे बाहर जाएंगे ऐसे ही घूमने। लेकिन कभी कभी ऐसा अचानक से हो जाता है, मैं रूम पे बैठा हूँ, 3-4 फ्रेंड्स आ जाते हैं, उठ यार बाहर जाते हैं, फिर ऐसे ही जल्दी जल्दी में करके बाहर जाते हैं। तो वो तो एक चीज है। लाइक वीकेंड्स के बारे में, लाइक हर कोई वीकेंड ऐसा नहीं जाता है, मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स पे ऐसे बाहर जाते हैं। तो उसके बाद ट्रिप्स के बारे में अगर बात करें तो अभी तक बस हमारी एक बैच ट्रिप हुई तो ऋषिकेश, और एम्स ऋषिकेश जो है वहाँ का भी टूर हमने कर लिया, और बाकी जो वहाँ पर एडवेंचर्स वगैरह है ऋषिकेश में तो वो सब भी हमने कर लिया, और वो टूर एम्स की तरफ से ही था। और मतलब जो वो टूर है काफी ज्यादा मेमोरेबल रहा है मेरे लिए। लाइक कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ बैचमेट्स, जिनसे आप बात नहीं करते, तो इन टूर्स में क्या होता है आप उनसे भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं, और काफी ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है मतलब ऐसी जगहों पे अब जब बाहर जाते हैं फ्रेंड्स से। हमारे साथ भी मोर और लेस सेम चीज हो रही है। अगर टूर्स की बात करें तो डायरेक्ट कोई टूर तो नहीं हुआ है, लेकिन एक पिकनिक हुआ है कॉलेज का, गुलमर्ग गए थे हम पिकनिक, पूरा बैच चला गया था हमारा, खुद ही ऑर्गेनाइज किया था हमने, लेकिन गए थे। और जो ये चीज थी कि जिन बैचमेट से आप बात नहीं करते फिर भी वो बात करते हैं, वो चीज से मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। पिकनिक एक अपॉर्चुनिटी लगी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो जाती है। और ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ बात करें तो फ्रेंड्स ढूंढने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कॉलेज में, क्योंकि जिन 5 लोगों के साथ मैं अभी फ्रेंड ग्रुप में हूँ वो पहले भी मेरे दोस्त थे। तो ऐसा हो गया कि कोई किसी साल मेरा दोस्त था, किसी साल मेरा दोस्त था लाइफ के किसी पार्ट में, और कॉलेज में हम लोग वापस मिल गए, तो वहां पे भी अब हम लोगों का एक फ्रेंड ग्रुप बन गया।
गया है, उनके साथ घूमना फिरना तो होता ही रहता है, मजे भी हम लोग करते हैं, मजे ही हम लोग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ट्रिप्स के बाद अब आते हैं हम फैसिलिटीज पे। क्या आपको ऐसी दुनिया से बाहर की फैसिलिटीज लगी अपने कॉलेज में, जो आपने देख के बोला वाह ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं था कभी, या मे भी देखा था बट देख के आपको बड़ा अच्छा लगा, चलो मजा आएगा 5 साल ऐसे कॉलेज में ये देखें। वही लाइक मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज तो देखी हुई है लेकिन काफी अच्छी है। फॉर एग्जांपल लाइक हॉस्टल सेक्शन में हमारा एक बास्केटबॉल कोर्ट है, क्वाड्रेंगल है जिसमें क्रिकेट फुटबॉल वो सब खेलते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ पे एम्स जिमखाना है। लाइक जिमखाना में ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक टेबल टेनिस, बैडमिंटन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक फुली इक्विप्ड जिम भी है वहाँ पे। और हमारा एक स्विमिंग पूल है जो पूरा एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, तो मतलब काफी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट्स है यहाँ पे जो मतलब देखने को मिलते हैं। हमारे कॉलेज में ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो सारे के सारे स्पोर्ट्स जीएमसी श्रीनगर के हॉस्टल में, तो कॉलेज के अंदर कोई स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली नहीं खेलते एक्सेप्ट वन, बास्केटबॉल। कॉलेज में बास्केटबॉल कोर्ट है और कॉलेज में सिर्फ बास्केटबॉल ही प्रमोट होता है, और मैं कॉलेज जाने से पहले ये सोच रहा था कि मैं पेरिफेरल एम्स चला जाता हूँ ताकि मैं बास्केटबॉल खेल पाऊँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि हमारे कॉलेज में बास्केटबॉल नहीं होगा। लेकिन हमारे कॉलेज में सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है और मैं वो देख के बहुत खुश हुआ था, और फिर मैंने बोला बस अब 5 6 साल मेरे कॉलेज के अच्छे से कटेंगे, और मैं अभी भी कॉलेज में दिन भर बस बास्केटबॉल खेलता हूँ, लंच ब्रेक हो कॉलेज के बाद हो सुबह हो बस बास्केटबॉल खेलता रहता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बास्केटबॉल खेलता था 9 10th क्लास में, फिर 11 12th में प्रेपरेशन के लिए छोड़ दिया था, फिर अब कॉलेज में 5 6 साल हॉबी के लिए बास्केटबॉल ही खेलता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन, क्या आपको अपने नीट प्रिपरेशन के दिन याद आते हैं, डू यू मिस दोज डेज, या फिर अभी आपको अपने लाइफ इन जनरल ज्यादा अच्छी लगती है? एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, एंड बाय द टाइम हाजिक थिंक्स अबाउट इट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समथिंग वेरी कूल। अगर आप अपनी नीट प्रिपरेशन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए नियो नीट ऐप काफी सही रहेगी। लेट मी एक्सप्लेन, ऐप के लर्निंग सेक्शन में क्वेश्चंस के साथ साथ डेली क्विजेस भी हैं, और नीट 2023 एग्जाम तक ये लर्निंग सेक्शन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री भी है। पहले तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए इसमें एनसीईआरटी को 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज में लाइन बाय लाइन कवर किया हुआ है, और इसमें 300 से भी ज्यादा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, पास 34 इयर्स के नीट क्वेश्चंस, और कई सारे एसेशन रीजन क्वेश्चंस भी हैं। इसके अलावा ऐप में नीट के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड वीकली टेस्ट सीरीज भी है। अगर आपको ये नियो नीट ऐप इंटरेस्टिंग लगती है आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। लाइक नीट प्रिपरेशन लाइक यस एंड नो, कभी कभी मिस करता भी हूँ, कभी कभी नहीं मिस करता हूँ। लाइक ये टाइम है अभी का जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है अभी तो मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स खत्म भी हो गए, ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं रहा हूँ, चल कर रहा हूँ आराम से। और सिलेबस की बात करें लाइक सिलेबस भी काफी ज्यादा होता है एक एग्जाम के लिए अगर नीट के कंपेरिजन में देखा जाए, और काफी वास्ट भी। एग्जाम्स कॉलेज के एग्जाम्स के टाइम मुझे याद आता है कि नीट के मॉक टेस्ट के लिए तो मैं ऐसे ही चला जाता था उठ के, वैसी चीज रिलेट नहीं हो पाती अभी, मतलब एग्जाम के लिए एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ता है। और प्रिपरेशन इन जनरल मिस, तो मेरा भी आंसर ये येस और नो ही रहेगा, क्योंकि कभी कभी किसी पॉइंट पे इंसान को प्रिपरेशन के कुछ दिन अच्छे लगते हैं लेकिन बैड टाइम्स भी होते हैं, और इन जनरल लाइफ में प्रोग्रेस तो करनी पड़ती है। ये हो गया हमारा डिस्कशन, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जल्दी से, आपको हर क्वेश्चन का ट्राई कीजिएगा आंसर देना इन वन सेंटेंस और लेस। योर फेवरेट सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ? एनाटॉमी। मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट ऑफ योर्स? मोस्ट हेटेड नहीं कह सकता हूँ, लीस्ट लाइक्ड कह सकता हूँ, वो है हिस्टोलॉजी। फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो फिजियोलॉजी, और मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट तो एनाटॉमी। यहाँ पर हाजिक और मेरा क्लैश हो रहा है, लेकिन एनाटॉमी मुझे पसंद नहीं है, और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी अभी मैं हिस्टोलॉजी को उतना डिटेल में मैंने हिस्टोलॉजी पढ़ी ही नहीं कि मैं उसको मतलब अच्छा या बुरा बोल सकूं, अभी हिस्टोलॉजी तो ऊपर ऊपर से ही माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स देखने के अलावा कुछ किया नहीं मैंने हिस्टोलॉजी में। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेमोरी ऑफ कॉलेज येट? दोस वर द 7 days ऑफ द क्रेश प्रोग्राम, क्योंकि वो टाइम था लाइक जिसमें हम सब बैचमेट्स ने काफी ज्यादा इंटरेक्शन किया था, उसमें एक स्पेशल टीम आया था बाहर से, तो वो लोग असल में हमारा जो इंटरेक्शन है वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसमें क्या हुआ था लाइक हमें छोटी छोटी गेम्स वो खेलने को दे रहे थे, और हर किसी गेम के पीछे एक रीजन था, मतलब एक मैसेज थी हर किसी गेम के पीछे, और उसके अलावा लाइक उसमें ये लीडरशिप बिल्डिंग क्वालिटीज भी डेवलप हो गई। लाइक वो हमें छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते थे और ऐसा बताते थे फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो, एक टाइम फ्रेम देते थे इसमें आप एक स्किट प्रिपेयर करो, तो ऐसी सब चीजें, और उसमें लाइक कम्युनिकेशन डेवलपमेंट भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी, वो सब चीजें हुई। तो ये सब चीजें कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हुई, और ताकि हमें वो थोड़ा बहुत ऐसा एक मतलब एक ट्रेनिंग दे कॉलेज स्टार्ट मतलब कैसे करना है आपको, आपको अपने प्रोफेशन में आगे कैसे जाना है, एक डॉक्टर बनने के बाद आपको कैसा बिहेवियर अपने ऊपर मतलब अपनाना है, तो वो सब चीजें हुई थी क्रेश में। और आई थिंक वो 7 days जो है वो लाइफ में वापस कभी नहीं मिलने वाले। काफी इंटरेस्टिंग है, और अगर मैं अपने कॉलेज के बेस्ट मेमोरी की बात करूं तो अभी तो वैसे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम का एक दिन टूर था, उसमें मुझे मजा आया। एमबीबीएस की सिलेबस में एक चीज है जिसमें जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको रिमोट एरिया में जाकर हर किसी हाउस होल्ड में उस एरिया के सर्वे कंडक्ट करना है, और उनकी फैमिली हिस्ट्री जाननी है और डिटेल्स के बारे में जानना है, ताकि उनको हम फर्दर मेडिकल हेल्प दे सके और उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में या डिजीज पोटेंशियल डिजीज के बारे में पहले ही पढ़ सके। तो उस टूर में मुझे मजा आया था दोस्तों के साथ भी, और जानने में भी चीजें, तो वो चीज अच्छी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन थिंग यू मिस अबाउट होम? एवरीथिंग।
उनके बारे में तो सब कुछ मिस करूंगा, लेकिन पर्टिकुलरली अपनी फैमिली। एंड वन थिंग आई मिस अबाउट होम इज नथिंग बिकॉज आई एम एट माई होम। ओके, वन थिंग यू लव अबाउट योर कॉलेज, द एब्सोल्यूट बेस्ट वन। परहैप्स एवरीथिंग लाइक सबसे अच्छी चीज है लाइक सब लोग जो यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स प्रोफेसर्स वगैरह हर कोई ग्राउंडेड है। दैट थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट माय कॉलेज। ना, हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जीएमसी श्रीनगर, टेक नोट्स। हाँ काफी ज्यादा, कोई भी प्रोफेसर हो इवन डायरेक्टर के ऑफिस में आप ऐसे ही जा सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं डायरेक्टर साहब के साथ, हर कोई अप्रोचेबल है, काफी अच्छा है यहाँ पे। वन थिंग आई लव अबाउट माई कॉलेज इज बास्केटबॉल कोर्ट। अगेन, इस वीडियो में मैंने 5 बार बास्केटबॉल बोला, तो इसे मैं थोड़ा ज्यादा लूनेटिक लग रहा हूँ, लेकिन बास्केटबॉल कोर्ट ही है मेरी फेवरेट चीज कॉलेज में, वही चीज मैं एंजॉय कर। अब हम लोग एक कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, लेकिन उसमें हम लोग ऑफकोर्स पढ़ाई की चीजें नहीं पूछेंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो मैंने नहीं की है, तो वो हम लोग नहीं खेल सकते। इसीलिए हम एक ऐसी गेम खेलेंगे जिसमें हम ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो हम दोनों ही नहीं पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी। तो हम लोग एटलस की गेम खेलेंगे, और हारने वाले बंदे को जोक सुनाना पड़ेगा। तो कंट्रीज के ही सिर्फ नाम ले सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स और स्टेट्स काउंट नहीं होती। मैं स्टार्ट करता हूँ। अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक हाँ ठीक है, मैं नाइजीरिया का नाम देता हूँ। है, नाइजीरिया। ऐसे कोई और कंट्री, एंटार्क्टिका, मगर एक कॉन्टिनेंट है। लौट आए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, और पिछली गेम में मैं बुरी तरह हार गया, क्योंकि मैंने बोला एंटार्क्टिका जो कि कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट है। तो अब मुझे हारने पे एक जोक सुनाना पड़ेगा, और मैं अपना फेवरेट जोक ही सुनाने वाला हूँ, जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, मेरे दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों, सबको पता है मैं वही जोक सुनाने वाला हूँ। ठीक है, जोक है, व्हाट इज ब्राउन एंड स्टिकी? चॉकलेट, नहीं, स्टिक। ओके फाइन, ठीक है ठीक है। ठीक है, हंसी आ गई, मैं जीत गया। ओके, व्हाट जस्ट हैपेंड?